Welcome to Kanchi TV once again. Spurgeon home by the Nature's Care Show, the Tano Sarianu, G. Ianu. Pella meta sare Dushkano, thank you kuna chongi. Jo ki bothi echa feedback dita pichle episode da. Lokia ne kafi like kita, Dr. Molly Hunton, jo sadi guest sigi. Bothi echa feedback ayo. Lokia nu kafi interesting bhi lagya. कि लोगों को जानकारी नहीं थी कि डॉक्टर्स भी होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, जीपी होके भी होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं. सो ये तो डेफिनेटली क्रेडिट विनोद जी ने जानता है, सानू ये पता चलिया, नहीं तो पता नहीं चलना सी दर्शकों को. तो नाल ही नाल सानू इस एपिसोड विच जिदा थानू पता होना, इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ वीक ऑफ सितंबर सुसाइड अवेयरनेस चलता है. तो अज सानू ये भी पता चलूंगा विनोद जी के थ्रू जे स्पर्जिक होम्योपैथी हेल्प कर सकती है मेंटल इलनेसेस दे विच. और नाल ही नाल जिदा थानू पता विनोद जी एक बहुत ही अच्छी नई होम्योपैथी प्रमोट कर रहे हैं, विच इज स्पर्जिक होम्योपैथी, जो टोटली प्लांट बेस्ड है, गया पूरा वेजिटेरियन. चलो शुरू कर दिया आप गला बातें साडे नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर विनोद कुमार जी के नाल. सो वंस अगेन विनोद जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू सविता जी, कांक्षी टीवी के सारे दर्शकों को मेरे प्यार भरी सत श्री अकाल. बहुत अच्छा लगता है सविता जी जब सारे हौसला देंगे. हाँ जी, बहुत अच्छा कॉल आई है, बहुत अच्छे सारे ने साडा सपोर्ट किया. हाँ जी जरूर, जिदा मैं इंट्रोडक्शन में दस रही थी कि लोगों को बिल्कुल नहीं पता सीगा कि जिदा जीपी और डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हो होम्योपैथी, लोगों ने काफ़ी कच किया. जी बिल्कुल, इतने जिदा साडा मेन जिहड़ा मकसद हैगा साडा, वो यही मकसद हैगा कि होम्योपैथी सैकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, और यूके दे विच मैनी प्राइवेट होम्योपैथी नाल नाल जीपीज और मेडिकल एनएचएस दे नाल जुड़े हुए भी होम्योपैथी करते हैं. हाँ जी जरूर. तब विनोद जी पहले चीज सा मैं ये जानना चाहूँगी, लोग मैंने पूछ रहे हैं काफ़ी कॉल्स आए कि हम जिदा पिछले एपिसोड में सानू थोड़ी जी जानकारी मिली कि मेडिकल साइंस एनी डाइट के उत्ते अटेंशन नहीं दिंदी. जी हुण मैं जानना चाहूँगी कि जी होम्योपैथी एना अटेंशन दिंदी है डाइट के उत्ते भी. बिल्कुल सविता जी, जिहड़ा नैचुरल वर्ल्ड है ना, वो डाइट के उत्ते जरूर एक तरह का ये उत्ते फोकस करता है. हाँ जी, है ना. जिन्नी भी मेडिकल साइंस जिहड़ी हैगी आ, वो जिहड़ी नैचुरल मेडिकल साइंस है. हाँ जी, उन्हां दा फोकस ही माइंड बॉडी सोल दा मेन जिहड़ा टारगेट हैगा आ पूरी बॉडी नूं, उहदे विच डाइट दा बड़ा रोल आंदा. लेकिन होम्योपैथी जिहड़ी साइंस दा तुसीं सवाल कीता कि होम्योपैथी डाइट नूं फॉलो करदी है, उहदा आंसर इह है कि होम्योपैथी डायरैक्ट जिहड़ी होम्योपैथी दे प्रिंसिपल दे विच, हाँ जी, होम्योपैथी डाइट नूं फॉलो नहीं करदी. ओके, उहदा एक अलग तो एक कॉज मन्निया गया है कि डाइट एक एक्सट्रा पार्ट हैगी आ. हाँ जी, लेकिन एज सच कोई रूल्स या एज सच कोई प्रिंसिपल नहीं हैगा होम्योपैथी दा. लेकिन एनवायरमेंट डाइट एक गुड कॉज हैगे आ जिहड़े जिहड़े तुहाडे बीमारियां नूं बढ़ावा दिंदे आ, जिन्हां दी वजह नाल कारण लगदे आ. लेकिन जिहड़ी जिद्दां मैं कई बार दस्सिया कि होम्योपैथी दे विच एक स्पर्जिक होम्योपैथी, एक स्पर्जिक थैरेपी, एक साइंस निकली जिहनूं आपां रीनेम स्पर्जिक कीता. वैसे इहदा कॉम्पलैक्स होम्योपैथी या इहनूं कंबीनेशनस दे हिसाब नाल ज़्यादा जाणिया जांदा सी लोक च, है ना. तो आपां इहनां नूं एक रीनेम करके स्पर्जिक, इहदा मतलब ही अर्क, पौद्यां दा अर्क, और इहदा जिहड़ा बेस हैगा आ इह हैगा ही रस एंड रक्त, यानी कि आपां कई बार अपने व्यूअरां नूं दस्सिया कि इहदा बेस ही होएगा कि जिद्दां दे तुहाडी डाइट होएगी, जिद्दां दा तुहाडा आहार होएगा, उद्दां दा ही तुहाडे विचार होएंगे, और उही कारण किते ना किते बनदा है कि तुहाडा जिहड़ा मन हैगा आ, है ना, उहदे विच इंपैक्ट हुंदा आ डाइट दा. बहुत गुड है. अजकल ईट वैल दे नां तों एक अवेयरनेस भी चलदी आ, मेडिकल प्रोफेशन भी ईट वैल दे नां तों बहुत जानकारी देने की कोशिश करता है. उहदा मतलब यही है कि आपां किते ना किते अच्छा खाइए ते आपां निरोग रहिए. इहदे पिछे जे आपां बहुत पहलां जावांगे, हिपोक्रेट्स जे जद आपां अज तों 500 साल 600 साल पहलां एक सेइंग सीगी कि खाना ही थोड़ा अच्छा खाना ही थोड़ा, जिदा लास्ट एपीसोड में भी आपां दस्सिया कि अच्छा खाना ही थोड़ा थानू बीमारियां तो बचा सकता है. हाँ, अच्छा खाना ही थानू
जड़ी बीमारियां तो थानू आजाद करा सकता यानी कि थानू निरोग रख सकता। तो इस करके कितना कितने स्पर्जरिक थेरेपी दा टोटली फोकस ऑन गुड डाइट उदा कारण ही मन्या गया है कि थोड़े जड़ी मूछ लार बनती है हाँ जी है ना और पाचन क्रिया जड़ी बनती है हाँ जी उदा डायरेक्ट कनेक्टेड थोड़े बूस्ट ऑफ इम्यूनिटी दे नाला लिम्फ दे नाला। तो इस करके जड़ा गुड डाइट हुंदी है वो कितना कितने थानू बहुत अच्छा एक अच्छा हेल्थ देन दी कोशिश कर दी। हाँ जी इत्थे मैं एक स्पिरिचुअल सेइंग भी साडे ग्रंथां दे विच भी आंदी है जैसा अन्न वैसा मन हाँ जी जैसा आहार वैसा विचार उदा मतलब भी जे तुसी साइंटिफिक देखो साडे गुरुआं दी किन्नी बड़ी देन आ किन्ना बड़े वो साइंटिस्ट सिगे कि स्पिरिचुअल तो ही साइंस निकली हाँ जी और उन्होंने किन्ना बड़ा अच्छा किया कि थोड़ा जड़ा मन हैगा वो थोड़े अन्न दे उत्ते डिपेंड करता है। Okay. इस करके जिन्ने भी तरह के जिहड़े थोड़े डाइट्स हैगे आ हाँ जी है ना जिन्ने भी थोड़ी तरह के थोड़े जिहड़े फूड हैगे आ हाँ जी वो थोड़े मन दे उत्ते बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ओके फिर उहदे बाद ही थोड़ा जिहड़ा मन दे जिहड़े विचार बनते हाँ जी और फिर वो पूरी बॉडी नू कंट्रोल करते हैं हाँ जी यानी कि बॉडी माइंड सोल किते ना किते उहदा लिंक किते आपां देखिए हाँ जी निकल के आंदा है। देखो किन्ना अच्छा ज्ञान साडे स्पिरिचुअल ग्रंथां विच हैगा है ना और उधर भी साफ साफ एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि तुसी जो खाओगे वो थोड़ी बॉडी पे उसका इंपैक्ट पाएगा इस करके तुसी सोजी ना खाना है हाँ जी है ना और आज साइंस वो चीज़ नू मनन लग गई है जी। कि थोड़ा जे आप देखिए जंक फूड थोड़ी बॉडी के उत्ते किन्ना इफेक्ट पाता है हाँ जी है ना। सो इस करके कितने ना कितने एक गुड डाइट थानू कितने ना कितने एक निरोग रख दिया और बचा के रख दिया थानू कई बीमारियां तो। हाँ जी फिर विनोद जी तुसी की कहोगे कि गुड हेल्थी डाइट की हैगी या डाइट दे विच सानू की खाना चाहिदा। देखो एदे पिछे एक बहुत डूंगी साइंस हैगी है जेड़ा तुसी सवाल कर रहे हैं एदे पिछे दो एस्पेक्ट्स हैगे आ जी तस्वीर दे दो रुख हुंदे आ जी एक रुख हैगा स्पिरिचुअली हाँ जी है ना ओके एक हैगा रिलीजियस वेस्ट हुंदी आ साडी भावनाएं साडा जेड़ा एक मन हैगा आ हाँ जी वो किसी सुप्रीम पावर दे नाल जुड़िया होया एक एक हुंदी आ थोड़ी मेडिकल साइंस कि थोड़ी बॉडी दे विच थानू की रिक्वायरमेंट हैगी है okay. ना ईट वैल जी है ना। सो आपां मेडिकल बिलोंग करते हैं तो मेरा विषय जड़ा मेडिकल आ लेकिन आपां किते ना किते स्पिरिचुअल दी सेइंग नू आपां जे मेडिकली टर्म्स नू आपां लईए तो किते ना किते ओ सात्विक आहार okay. देखो एक वर्ड किन्नी बार आया जी सात्विक आहार हाँ जी इत्थे तक कि साडा जड़ा ग्रंथां दे विच लिखिया है कि जड़ा मनुख हैगा उदे तीन प्रकार है गया हाँ सतोगुण रजोगुण तमोगुण उदा मतलब ये है कि जेड़ा सात्विक आहार आ वो किते ना किते थोड़े उत्ते एक इंपैक्ट पांदा आ हाँ जी हुण इहनू मैडिकली समझना होवे तो सात्विक दा आहार सिर्फ ये नहीं रह जांदा कि सिर्फ सादा खाना हाँ जी है ना। सात्विक आहार दा एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये निकलती है कि थोड़ी जड़ी बॉडी नू बढ़ावे थोड़ी जड़ी बॉडी नू न्यूट्रिशन देवे हाँ जड़ी थोड़ी बॉडी नू एक सप्लीमेंट देवे वो किधरों आ सकता सात्विक आहार हाँ जी वो सीधा सीधा असी जद इनू एक्सप्लेनेशन नू आपां और डीप समझिए साइंटिफिक तो हाँ प्लांट किंगडम ओके है ना वेजिटेबल किंगडम जड़ी बूटियां हाँ जी और वो जे आपां एक आम भाषा जे आपां देखिए कि जिन्नी भी प्लांट बेस्ड डाइट आ उहदा किते ना किते साडे शरीर दे उत्ते साइड इफेक्ट नहीं पैंदा ओके है ना जी और इस करके जड़ा साडा जड़ा गट हैगा है हाँ जी जिन्हों आपां सेकंड ब्रेन कह सकदे हाँ जी मेडिकल साइंस दे है ना एक आपां कह सकदे हां कि जड़ा साडा जड़ा एक मन हैगा जो आपां खांदे आ आपां सोच के जो खांदे आ जो आपां दिमाग दे तौर ते खांदे आ ब्रेन यूज करदे आ हां जी ओनू पचांदा किद्दां आ ओनू गट ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਐਂਟ੍ਰਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਟਸ ਹੈ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਂਤਰੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਸਿਗਨਲਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ओके देखो किन्नी बड़ी और जिन्ना साडा जड़ा आहार होएगा जिन्ना साडा सादा होएगा यानी प्लांट बेस्ड होएगा उन्ने ही सानू न्यूट्रिशन मिलूगे और जद आपां उनू विपरीत यानी उल्टा आपां खाना खांदे आ जड़ा साडी बॉडी दे नू नुकसान करदा इस करके फिर साडा वो रोंग फूड विच आ जांदा
है ना। इस करके जब भी तुसी एक नेचुरल डॉक्टर नु मिलोगे तो थानू जरूर वो एक गल कहूगा कि तुसी थोड़ा डाइट किदा दा, थोड़ा सवाल जरूर पूछेगा। हाँ जी, है ना। और तुसी किते वो नेचुरल डाइट नु फॉलो करन दे लिए थानू प्रेरित करूगा, यानी थानू कहूगा कि तुसी वो नेचुरल डाइट जरूर यूज करनी है। हाँ जी। तुसी किसी भी तरीके दे फ्रूट देख लो, सारे प्लांट बेस्ड आ। हाँ जी। जिन्नी भी आप 90% जड़ा फूड असी लेंदे आ वो प्लांट बेस्ड है। हाँ जी। तो वो किते ना किते सानू साड़ी बॉडी नू ताकत दिंदा है। ओके। है ना। वो नैनो हुण तां एक बहुत मेडिकल रिसर्च हो गई कि नैनो जड़े न्यूट्रिशंस है गया, आम भाषा जे आप इनू एंजाइम्स कहिए, वो भी साड़ी बॉडी नू प्रदान करता है जड़ा नैचुरल फूड आ जी। ते साड़ी बॉडी ते बट नैचुरल ओदा असर तो किते ना किते पैना ही है। हाँ। और जिन्ना जिदा मैं अपनी बुक दे विच भी अपन जड़ी बुक्स है ओदे विच भी ए चैप्टर आंदा है, जिदा लास्ट टाइम साड़े जड़े गेस्ट आए से उन्होंने भी एक कहा सी कि जड़ी बायोमी जड़ा गट दे विच जड़ा साड़ा सानू जड़े नैसेसरी गैसट्रिक जूस चाहिए आ वो सारे सानू मिलते हैं, है ना। वो बैक्टीरिया जड़े सानू प्रमोट करते साड़ी अच्छी हैल्थ नू। ते ओदा मतलब की है कि साड़ा जड़ा रस आ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਪਜਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਅ ਵਿਦਇਨ ਸਪਜਰਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜੈਸਾ ਆਪਕਾ ਅੰਨ ਹੋਗਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਆਪਕੋ ਵੋ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਆਪਕਾ। ਓਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਸਭ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਓਕੇ। ਹੈ ਨਾ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਇੰਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ, ਹੈ ਨਾ, ਹੈਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਕੀਪ ਯੂਅਰ ਹੈਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਰੂਟ ਬੋਇਲਡ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡਾਇਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਦ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੂਡ ਪਲੇ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂ ਆਰ ਵਟ ਯੂ ਈਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਟ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਔਰ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਤ ਪਿਤ ਕਫ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਏਅਰ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਏਅਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਏਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀਟ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਅਗਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਕਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਲੂਇਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਤ ਰੋਗ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਸਪਜਰਿਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਰਡ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਿਡਿਕ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਦੂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਅਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੂਗੇ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਿਆ,
लसन हो गया, सुंड हो गई, गर्म चीजा जड़ी है गया है ना नेचर विच। ओके। गर्म और ठंडी नहीं जी, नेचर दे विच है नहीं कि आपा अग ते रखी ता वो गर्म। हाँ जी हाँ जी। ओके। कहंदा मतलब अग वाली गर्म दी गल नहीं कर रहे आपा जी, फूड दा एक नेचर हुंदा है। ओके। जिदा नारियल पानी दा ठंडा हुंदा है। हाँ जी। सुंड दा गर्म हुंदा है, हल्दी दा गर्म होएगा। हाँ जी। काली मिर्च दा गर्म होएगा। उस स्वभाव जब साड़ी प्रकृति उदां दी हैगी है। हाँ जी। साड़ी प्रकृति जे गर्म हैगी है ते आपां गर्म खाना खा रहे हैं। हाँ जी। यानी कि नेचर जड़ा फूड दा हैगा वो भी गर्म हैगा ते साड़ी तस्वीर जड़ी बच जाएगी, गर्म हो जाएगी। हाँ जी। हुण आ जाओ वाटर दा, ठंडी बॉडी है साड़ी जी, है ना, ठंड दे नाल उनूं रिप्रेजेंट किया गया। हाँ जी। वो जिदा ही असी आइसक्रीम खावांगे, ठंडी चीज़ा खावांगे, और देखो साइंस कितनी पुरानी है। हाँ जी। लखों साल पुरानी साइंस आ, उस समय फ्रिज नहीं सीगे। हाँ जी। लेकिन किन्ने साइंटिफिक सीगे, किन्ना किन्ना बड़ा प्रकृति एनवायरमेंट के हिसाब न उन्होंने सानू दसा कि साड़ी बॉडी तीन एलीमेंट के उत्ते चलती है। हाँ जी। हालांकि ये एलीमेंट बिच दो एलीमेंट आकाश और पृथ्वी भी है। ओके जी। है ना, अर्थ एंड स्काई, जिदे बिच सारा कुछ साड़ा असी बसदे हां जी, ब्रह्मांड है। Okay. तो बॉडी भी साड़ी ब्रह्मांड दे ना, देखो किन्ने साड़ी बॉडी दे विच तुसी देखो कि सिखिज्म दे विच किन्ना अच्छा एक सेइंग आंदी है। हाँ जी। कि साड़ा जिहड़ा मन हैगा आ ओ ब्रह्मांड दी तरह, किन्नी सोच साड़ी किन्नी परे तो परे आ जी, है ना, ओहदा कोई अंत नहीं हैगा। हाँ जी। सो इस करके किते ना किते आपां जब दोबारा मेडिकल साइंस दे विच आंदे आ और जब पढ़दे आ नेचुरल वर्ल्ड नूं तां तुहानूं पता लगदा कि किन्नी डीप साइंस आ और इहदे विच किद्दां तुहाडे ये एलीमेंट आ ठंडी चीज़ां ना तुसीं खा रहे हो तां इनक्रीज़ कर दूगी। हाँ जी। फिर लॉ ऑफ अपोजिट आ गया। ओके। वो लॉ ऑफ अपोजिट की आ गया कि जिदा थानू ठंड आ तो थानू गर्म खाना खाना। हाँ जी। और जब थानू गर्म आ तो थानू ठंडा खाना पैना, और यही जलवायु एनवायरमेंट बिच आ जी, कि तुसी गर्म इलाके बिच हैगे आ तो थानू गर्मी दे रोग होगे। हाँ जी। जिथे तुसी ठंड आ उथे ठंड दे रोग होगे। ओके। तो थानू अपोजिट जद करोगे तो बैलेंस कर देगी जी। सो ये एक फूड दा रोल हैगा आ। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी। हाँ जी। विनोद जी, एक और चीज़ लोग जानना चाहते हैं, जिदा थानू पता होना कि सितंबर दे विच पहले दो हफ्तों विच सुसाइड अवेयरनेस होता है। हाँ जी। हाँ जी। लोगों ने काफ़ी सानू कॉन्टैक्ट किया कि प्लीज़ ये पुछियो जरूर इस एपीसोड विच। हाँ जी। कि ये सुसाइड जो लोग करते हैं, मेंटल इलनेसिस जो होंगे, हाँ जी, ये विच कोई स्पेसिफिक हेल्प कर सकती है? देखो सविता जी, तुसी मैं थानू बहुत थैंक यू करदा। हाँ जी। कि आज जड़ा पूरा महीना फर्स्ट वीक वैसे ज़्यादा इंपोर्टेंस सीगा जी, हाँ जी, और सितंबर दा और डेडिकेट किया गया है कि जिन्हें भी सुसाइड हो रहे हैं उहदे विच अवेयर किया जाए और इहदे विच रोकथाम की जाए। बड़ा दुख हुंदा सुन के, है ना। हाँ जी। और आपां इहदे विच की कर सकते हैं, इहदे पिछे देखो तुसी एक बहुत बड़ी एक एक सपोर्ट करन दे लिए तुसी एक सवाल उठाया। हाँ जी। और उहदे विच एक नैचुरल साइंस दा देखो की एक रोल किया जा सकता। उहदे विच मैं तुहानूं अगेन एक गल कहूँगा इत्थे सविता जी, कि इहनूं समझण वास्ते सानूं स्पिरिचुअल दा सहारा लेना पैना जी, है ना। देखो सानू जिहड़ा मन हैगा ना, हाँ जी, उहदा कनैक्शन किते ना किते साडे गुरुआं ने है ना किन्ना बड़ा कनैक्शन दिता। देखो स्पिरिचुअल पार्ट नूं इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ जी। ये सारे रोग है मानसिक रोग आ जी, ये सारे रोग डिप्रेशन रोग आ, ये सारे रोग मेंटल रोग आ, इहदा जड़ जिहड़ी हैगी आ। हाँ जी। वो स्पिरिचुअल और मेडिकल साइंस दोनों नूं मिल के काम करना पैना जी। और आपां जिहड़ा अपनी एक जिहड़ा आपां काम करदे हैगे आ उहदे विच मैं ये पार्ट जरूर, देखो स्पिरिचुअल दे विच ये कहना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल दे विच भी इस सुसाइड नूं किन्ना अपराध मन्निया गया, क्राइम मन्निया गया, पाप मन्निया गया जी। देखो किन्नी बड़ी सोच होएगी साडे गुरुआं दी। हाँ जी। किन्नी बड़ी सोच होएगी साडी साडे ग्रंथां दे विच जी, कि वो सत कढ़ के अज तो जिहड़ा आन वाली चीज़ां भी उहदे विच पाई हुई है जी। दुख जिहड़ा भी वर्ड साडे आया है, दुख ये रिप्रेजेंट करदा है। हाँ जी। और दुख दा जिहड़ा मूल कारण हैगा अशांत मन हैगा जी, मन हैगा। हाँ जी। और थोड़े कर्म है गया। सो इस करके जिहड़ा साडा अज ये एपीसोड दे विच आपां सोचा, देखो सब तो बड़ा दुख हुंदा जब यंग जनरेशन ये स्टेप चकदी है जी, है ना। बहुत दुख हुंदा। अज नवी एक न्यू जिहड़ी जनरेशन हैगी आ ये हार मन रही है, तब तो जिंदगी शुरू होंदी है, तब थोड़ी जिंदगी स्टार्ट हाँ होंदी है और तुसी हार मान रहे जी। और साडे स्पिरिचुअल दा पार्ट जिहड़ा हैगा आ उहदे विच किन्नी बड़ी साइंस आई आ। हाँ जी। कि इहदे कारण देखो किन्ने दसे दुख जी, मानसिक रोग किन्ना बड़ा, और इहदा देखो
ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਚਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਚੁਅਲ ਪਾਠ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਕ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਨੇਚਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਸੁਪਰੀਚੁਅਲ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਮੀਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਚੁਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਵਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਮਾਇੰਡ ਸੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਆ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਹੋਗਾ ਵੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਡਾਇਟ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਡਾਇਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਹਿਡਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦ ਦੇਖੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਗੁੜ ਸੰਗਤ ਜਦ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਛਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਡਾਇਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇਗਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਮੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਨ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਪ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨਸ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ
ਉਹਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੁਛ ਸੁਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਐਨੀ ਟੂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿਕਸ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਮਾਇੰਡ ਸੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਰੋਲ ਆ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਹ ਅਲੋਨ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਨਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਨਾ ਤੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਔਰ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦਊਂਗਾ, ਬੀਇੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਯੋਗਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਡਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨੱਠ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਲੋ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਔਰ ਯੋਗਾ ਔਰ ਸਲੋ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਡੀਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਵਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਆ
कि इथे उन्हां दा साथ देना चाहिदा, बिल्कुल उन्हां नूं इग्नोर नहीं करना चाहिदा, बिल्कुल उन्हां नूं लेफ्ट आउट जदों हो जांदे आ ना कट जांदे आ तो उन्हां नूं लगदा कि पहाड़ लगदा पूरा, उन्हां नूं इदां लगदा कि ये जिंदगी एक बहुत बड़ी एक दुखां दा पिटारा हो गई है, इत्थों निकलना मुश्किल आ। कोई भी समय कारण कोई भी होवे, लेकिन उहदा एंड रिजल्ट ये है कि वह गिव अप कर देता। और जब नैचुरल साइंस जब जिथे आती है वो थोड़े रूह ताकत देती है। जिदी रू तुसीं देखो कि स्पिरिचुअल परसन जब रूह नूं जब इन्ना सुदृढ़ कर लैंदा, इन्ना स्ट्रोंग कर लैंदा कि उहनूं जब वह लड़ लगा लैंदा है ना, तो फिर वो हरी भजन जद करता है ना, फिर वह दुख निवारण भजन जद करता है तो वह सारे दुखों तो पार हो जाता है। एंड द रिजल्ट ये है फिर उहदे विच मैडिकल साइंस का सारा लैके क्यों नहीं आपां काउंसलिंग करके क्यों ना आपां इन व्यक्ति जिहड़ा सफर कर रहा उन्हूं आपां इन पॉजिटिविटी दईए। सो ए मेन इहदा कारण आ, फोकस करना चाहिदा सानूं। तवनोजी जी तुसीं दस्सिया कि प्रिवेंट करन वास्ते, हाँ जी, एक तां तुसीं दस्सिया कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल, दूसरा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफ़ी इंक्लूड करना। देखो अज का टॉपिक जिहड़ा तुसीं सविता जी रख रहे हैं कि मैंटल हैल्थ इलनेसिस जड़ी हैगी है, ये सुसाइड का बहुत बड़ा कारण है, एक कारण। ओके, ये जीपीज के बाद भी वो दवाई लैके डायग्नोज होने तो बाद डिप्रैशन एंगजायटी होने तो बाद भी आपां देखिया कि जो साढ़े को अप्रोच आता था तद भी वो हथ बस वो कुछ नहीं है, वो बहुत विचलित आ, वो बहुत ज़्यादा परेशान। हाँ जी, और उन्होंने दवाइया ने उन्होंने किसी हद तक कंट्रोल कर दिता, लेकिन जी वो फीलिंग आ वो किसी नहीं जा रही। तो ये बड़े रिसर्चा हुई कि नैचुरल मेडिसिन ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया और उन्होंने सपोर्ट की, उन्होंने जोड़े कुछ एक ओवर द काउंटर रिलैक्स करने वास्ते दवाइया मिल जाती, फिर कुछ एक होमोपैथी के जो मेडिसिन है एक ट्रीटमेंट होंगे कितना कितने थोड़े इमोशनस सपोर्ट करते हैं, फिर डाइट आ जाती है, फिर स्पिरिचुअल आ जाता है ना। तो ये तीन चार फैक्टर जोड़े है इस मैंटल हैल्थ हैल्थ जी है सानू है ना, राय तो एंगजायटी तो फीयर ये पिछले जो तुम डीप साइंस जाओगे प्रोग्राम छोटा पै जाना ये पिछले जब तुम कॉम्पलीमेंट्री मेडिसिन का जो लॉ ऑफ नेचर आ वो बॉडी माइंड सोल सोल जब जिथे ना आ रहा वो इमोशंस दे आ वो थोड़े जिथे वो थोड़ा माइंड का नाम आ रहा वो थोड़ी जिहड़ी फीयर जी बात रोग मेडिकल साइंस दे विच बात रोग नर्वस सिस्टम ओके जी वो थोड़ी जिहड़ी एयर हैगी आ वो इंबैलेंस हो गई और इंबैलेंस होके उन्हें थोड़े माइंड दे विच जाके इन्नी उथल पुथल कर दिती कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। जब तुसीं उन्हें कंट्रोल कर लोगे तो थोड़े जिहड़ा फीयर कंट्रोल हो जाएगा। जब थोड़े साह डीप साइंस योगा मेडिटेशन है ना जब ये जुड़े शांत हो जाएगा मिलजुल के अपन इस समस्या नु हटा सकते हैं जरूर। हां जी तो विनोद जी लुके काफी लाइक कर दिया कि हम जिद तुसी सादा जनो टिप दिता सी ना पिछले थोड़े एपिसोड पहला हुन इदे उते लुके जानना चाहंदे कि तुसी थोड़ा जो हो जनो टिप दो कि कर विच डाइट दे उते कोई अच्छा जनो टिप दो। देखो किचन छड़ी साडी है ना जेड़ी हां जी जिन्ने भी साडी माँ है ना साडा जेड़ा सानू खाना दंदी है हां जी ओ माता जी जिन्नी भी माताएं हैगी हां वो किचन दी डॉक्टर आ जी है ना। और एक बच्चों कि अज उन्हों का ऋण नहीं उतार सकते आप है ना तदे कहा गया कि माँ बाप का ऋण नहीं उतर सकता वह कारण यह है कि सानू उन्हों की वजह ना ये जिंदगी जीवन जो परमात्मा ने सानू जीवन दिता मनुख जन्म दिता साड़ी लॉटरी लगाई कितना बड़ा मनुख जन्म मिलया उहदे विच सानू जब वो बिना खान पान दे असी सर्वाइव नहीं कर पाव तो माँ का बड़ा रोल आ गया इस करके माँ परमात्मा का दर्जा दिता गया तो हम किचन का सारा जड़ा जड़ा कंट्रोल होंदा माँ के हाथ होंदा। हालांकि अज जड़ा जेंट्स भी पिछे नहीं है जिन्हें भी तुसी होटल लाइन देखो सैफ जड़े है लेकिन किते ना किते कारण जड़ा ज्ञान आया माताओं तो आया है ना। तो वो उदे विच आपां खान पान देखो तुसी बॉडी टाइप ना जी देखो प्रिवेंटिव सानू एक नैचुरल वर्ल्ड विच सिखाया जांदा कि तुसी किद्दां अपनी बीमारी तो बचिया जा सकदा जी उदे विच फैक्टर दिखाए जांदे फूड एनवायरमेंट और क्लाइमेट ये फैक्टर्स जिहड़ी थोड़ी प्रॉब्लम नू बढ़ांदे आ। हुण इहदे विच आपां फूड दी गल जे करिए एक बहुत छोटा जिहा टिप तुहानूं दिंदा हां जी पहला तां तुसीं अपनी बॉडी टाइप नूं
मनना जी देखो okay. और बॉडी टाइप नु मनन वास्ते जी थानू एक मैं प्रिंसिपल दिंदा आ कि जेड़ा पहला सिस्टम सी वर्ल्ड दे विचार वेदा ओदा मतलब सी कि तुसी ज्ञान अपनी हेल्थ दा ज्ञान की है सीक्रेट ऑफ लाइफ हेल्दी लाइफ जी है ना ओ थोड़ी नर्व्स दे विच तो देखो कि पहला दे जेड़े जिन्ने भी वैद हुंदे सी सविता जी जी ओ थोड़ी नाड़ी दे नाल पता लगा देंदे सी कि थानू की प्रॉब्लम है जी है ना पुरोहित हुंदे सी जिहड़े स्पिरिचुअल दा काम करे सी ओहदे थ्रू आया सी इस करके उहनां नूं सेंट कहा जांदा सी क्योंकि बॉडी टाइप नूं समझदे सी ओह जिहड़ी जिहड़ा परसन आ ओहदी प्रकृति नूं समझदे सी ओहदे नेचर नूं समझदे सी है ना फिर नाड़ी विज्ञान आ जांदा सी जिहड़ी तीन नाड़ियां हैगियां साडे चल रहियां इहदे पिछे पूरा शरीरिक रचना है इहदा पूरा एक पैथोलॉजी है पिछे ओ किते ना किते लोप हो गई है ना ओहदा रूप ही इस नाड़ी दा रूप ही किते लोप होने की वजह ना मैडिकल साइंस अज दी जिहड़ी मैडिकल साइंस आ ओहदे रूप च आ गई है ना लेकिन जे आपां अज तो 2000 साल पहला या 5000 साल पहला या और पिछे जाइए तो वो रोगों का कारण किदां पता लग जांदा सी अज भी साढ़े जिहड़े पंजाब दे विच इन्ने बड़े बड़े वैद आ साउथ दे विच साढ़े वैद हैगे आ जिहड़े थोड़ी नाड़ी दे साढ़े पिता जी नाड़ी दे नाल ही दस दिंदे सी अज भी दस दिंदे कि तुहानू की प्रॉब्लम आ उहदा कारण आ हुण उहनू आपां घर दे नाल किदां जोड़ना नाड़ी विज्ञान थानू समझना चाहिए हाँ जी थोड़ी तीन पल्स आ और वो तीन उंगलियां जिहड़ी अंगूठे की तरफ तो जा रही है उत्थे जद आपां रखदे आ फील हुंदा सानू जी ये देखो टिप आ ओके और फिर सानू पता लग जाना बात पित कफ जी यानी पहली बात दूजी पित तीजी शोल्डर की तरफ जिहड़ी हैगी वो कफ इहदा मतलब इहनू आम भाषा जे आपां दर्शकां नू समझाना होवे है ना ये आपां डायग्नोज नहीं कर रहे बीमारी की गल नहीं कर रहे इत्थे आपां कर रहे हैं कि केड़ा फूड साड़ी प्रकृति दे साथ साड़े नेचर दे सामने माफिक बैठ गया उहदे विच आपां आंदा कि जिहड़ी भी ये तीन नाड़ियां है फूड आ फॉर एग्जाम्पल पहली आ पहली ते तुहानू महसूस हो रहा तो उहनू कहिंदे बात रोग बात रोग का मतलब एयर एयर का मतलब कि जिन्ने भी ब्लोटिंग करते हैं फूड जिन्ने भी फूड एसिडिक बढ़ाते हैं एसिड बढ़ाते हैं जिन्ने भी फूड थोड़े अंदर ब्लोटिंग करते हैं ओ जब तुसी खांदे आ ते ओ थानू प्रॉब्लम उत्तों रिलेटेड प्रॉब्लम दिंदे आ थानू हड्डियां दा रोग देऊगा थानू माइंड दा रोग देऊगा थानू थोड़ा जिहड़ा विटामिनस घट हो जाऊगे ए ए ए ए इहदा एक एक ओ ओ नाड़ी दे नाल हुण की करना आपां दालां सानू पता लगाना चाहिदा साडी दाल ताजी दाल खाओगे तो बना के उसी दौरान खाओगे तो थानू घट गैस बनाएगी जिद्दां ही ओ थोड़ी देर तुसी बाद विच खादी बासी हो गई ओ खादी तो उन्हें गैस बनानी आलू जड़ा हैगा आ बिना आलू नू ज्यादा खाओगे बिना तुसी छिलके दे खाओगे तो ओ बाय करेगा हुण दूजी आ गई हीट जब थोड़ी बिच वाली जिहड़ी और ये स्पेसिफिक थैरेपी का पार्ट आ ये जिन्नी भी मैडिकल नैचुरल मैडिसन हैगी आयुर्वेद नाल जुड़ा जाता फिर स्पेसिफिक थैरेपी ना होम्योपैथिक दे विच ये नहीं हैगी लेकिन ये मैनू इहदा जिहड़ा बहुत अच्छा जिहड़ा पॉइंट लग्या कि आयुर्वेदा तो किद्दां स्पेसिफिक थैरेपी जिहड़ी नवीं साइंस असीं होम्योपैथी विच लैके आए हाँ उहदे विच इहदा पार्ट आ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਪੈਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਟ ਆ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਡ ਖਾ ਲਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀਟ ਹੋਰ ਐਗਰਾਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੂਡ ਡਾਇਟ ਆ ਅਗੇਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਿਡਿਕ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਐਸਿਡਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਬਲੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਖਾਓ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ
है ना, थोड़ी जी डाइट है वह अकॉर्डिंग थोड़ी बॉडी के टाइप ना तो स्टार्ट करो, फिर पित्त जी थानू हीट दे रहा वो अपोजिट खाओ जी, और जब थानू ठंडी है थोड़ी बॉडी तो वो अपोजिट खाओ, और सारा किचन चा। हाँ जी। और इस करके जब माँ अज तो पुराने जमाने उन्हू पता सी कि केड़े परिवार के किरे सदस्य नू ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿਪ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਾਲ ਆ ਠੀਕ ਜੀ, ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਦ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੋਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੋਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਦ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਿਪ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਿਗੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਓਗੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੱਗ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੈਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਕੰਮ, ਫੋਰਥ, ਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖਰ ਜਾਏ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਦਾਲ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਰੋਂਗ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਕਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਸੀਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ, ਓਕੇ, ਚਾਗ ਬਣੇਗੀ, ਇੰਨੀ ਚਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਓਕੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਿਡਿਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਜਰਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉਹ ਦਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਉਬਲੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚਾਗ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਹ ਚਾਗ ਆਪਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਚਾਗ ਹਟੇਗੀ, ਚਾਗ ਹਟੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਲਸੁਨ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਓਕੇ, ਨਮਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ, ਔਰ ਸੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਸੋਲਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੋਲਟ, ਰਿਫਾਈਨ ਸੋਲਟ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਫੇਦ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੋਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਾਓ, ਹੀਂਗ ਪਾਓ, ਜੀਰਾ ਪਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਸਰਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਟਿਪ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਦਾਲ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਿਗੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਔਰ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਉਹਦੀ ਚਾਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਚਾਗ ਹਟਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਟਿਪ ਮੇਰੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਿਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬਸ, ਤੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਰਿਜਦੀ ਸੀ ਦਾਲ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਆਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਆਪਣੀ
एक ना रैनी वैनी सैनी पंजाब में बहुत अच्छी एक कहावत है कि जड़ा थोड़ा खाना है ना वो मन के हिसाब ना खाना चाहिए और जड़ा थोड़ा कपड़ा या ड्रेसिज आ या ये जग के हिसाब ना पानी चाहिए और थोड़ा रहना वहना सहना जोड़ा है हाँ फिर तुम्हें एक स्टैंडर्ड एक नेचर के हिसाब ना रहना चाहिए। तो की आता वो कि डाइट में ठीक करो अपनी बॉडी जो थोड़ी गर्म पिता है तो तुम वो ठंडी चीज़ों खाओ ज़्यादा नहीं वो ठंडी चीज अपोजिट लो जब थोड़ी एसिडिक ज़्यादा बनती है तो तुम गर्म चीज़ा लो जब तुम थोड़ा जहा एसिडिक फूड न हटाओ फिर थोड़ी जी बॉडी ठंडी है तो तुम उन गर्म चीज़ा लै सकते इस करके इनू रोग का कारण दसया गया। फिर जो स्पर्जी थैरेपी आप एक दवाई उन्होंने इस करके सारे की दवाई अलग अलग हो गई क्योंकि एवरीबडी जोड़ा है एवरी ह्यूमन इज नेचर इज अलग हो गया। हाँ जी फिर सा तुसी सा जिन्ने धीरे लोगे थोड़ा मन उन्ना ही शांत रहेगा। हाँ जी उन्होंने डीप ब्रीथिंग करनी है आप नक तो कोई नहीं रोकना जी कितने नहीं रोकना उन्होंने धीरे धीरे नक तो सा लेना दोनों हाँ और बहुत धीरे धीरे अपने पेट न और फिर छाती नू फुलाना जी पेट फुलेगा तो फिर छाती फुलेगी तो फिर धीरे धीरे इनू पिचकाना छाती पिछे नीचे जाएगी फिर इनू कढ़ना और मुँह तो भी कर सकते हैं नक तो भी कर सकते हैं पर जे तुसी नोज तो लेंदे हो ना अपना पिछले एपीसोड ये तीन चीज़ा करना थोड़ी जिंदगी का जरा बहुत कुछ चेंज हो जाता फिर तुसी एक अपने एक तंदुरुस्त फील करते हैं। और ये पिछे किन्ने मिनट चाहिए देखो दाल का तरीका उही का बना भी उही उन्ना ही टाइम लग रहा पर थोड़ा जा उहदे विच ऐड कर लिया तुसी सवेरे उठ रहे हैं पाँच दस मिनट ही करना एक्सरसाइज जोड़ा भी तुसी करते हैं साह का जरा तरीका वो लै रहे हैं तो इस करके और ये जरा अज का टॉपिक आ वो थोड़े मन नू स्ट्रोंग बनांदा ए ए थोड़े मन नू जे स्ट्रोंग बनांदा तो तुसी मेंटल इलनेस तो दूर आ जांदे फिर आ जांदी है मेडिसिन हुण मेडिसिन्स बखरी बखरी आ इहदे विच कोई मेडी थानू स्ट्रोंग करदी है थानू कई बार थोड़ी हीट दी वजह नाल ड्राइनेस आ गई थानू बॉडी थानू प्रॉब्लम कर रही है तो इस करके वो इहदे विच किते ए ना मेरे को पूरी दवाइयां मैनू 25 साल हो गए और दवाइयां तो मूँह जवानी मैनू याद है पर उदा कारण एक परसन उदी कैटेगरीज है परसेंटेज है सब दी तो इस करके उस कैटेगरी नू वो दवाई माफी बैठेगी दूजे नू इस करके आपां की करदे आ जब आपां गैट टूगैदर होंदे आ काउंसलिंग करदे आ उदी रूट कारण भी जांदे बॉडी टाइप दे तो पूरी बॉडी नू एक मन के उनू उदा असर ट्रीटमेंट दिंदे आ पर जिहड़ा मेंटल साडा फोकस मिल जांदा ओके दैट्स रियली इंटरेस्टिंग हेल्थ दे विच मेंटल पार्ट और डाइजेस्ट दो ब्रेन आ जी एक साडा ब्रेन हैगा आ जड़ा ब्रेन नर्वस सिस्टम एक साडा पेट दे विच ब्रेन आ जी वो दोनों नू ही कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ओके जिदा स्पेसिफिक थेरेपी जी वो फोकस कर दी और एनहांस कर दी जी और फिर थोड़ा रक्त एंड रस बनता है हाँ जी और फिर वो दवाइयां ओदे सामना बनदी है फिर आपां दिंदे आ तो इस करके नेचुरल डाइट आ गई ओके देखो ये पुरानी साइंस नू दोबारा तो न्यू पैकिंग विच आपां दे रहे हैं जी जरूर साडे गुरुआं ने जिन्नी भी साडे ग्रंथां विच आंदी सी वो दिंदे जी नहीं बहुत ही अच्छी गल है अपनो जी एक होर चीज़ मैं इतने ऐड करना चाहूँगी कि हम जिदा यंग जनरेशन में जिदा मैं भी उन्होंने विच आंदी हाँ हाँ जी जंक फूड का कभी कभी हाँ जी इन्फ्लुएंस पै जाता बिल्कुल जंक उन्हां लई तुसी की कहना चाहूँगी कि किदा कट करिए देखो डॉक्टर डीन बाउमन एक ना बहुत बड़े रिसर्चर होया जी उन्होंने ये रिसर्च की सी कि जंक फूड एक्चुअली डैमेज करता सन ओके इस करके तुसी देखो जंग जनरेशन है ना जी रेफरेंसेस नु मानदी है ना जी कितने बड़े बड़े रिसर्च तुसी चक के देखो तो ओदे विच जंक फूड कारण मन्या गया है ओके थोड़े हार्ट रोग दा थोड़ी जड़ी आज दी जड़ी मोटापा आपां लईए जी मोटापा किन्नी तेजी नाल बढ़ रिया बच्चों च बढ़ रिया बच्चों च ही बढ़ रिया है ना दैट्स राइट तो ओ मोटापे दा सीधा सीधा कारण थोड़ा आहार आ सात्विक फूड तो तुसी हटे जंक फूड आ गया और थोड़ा और एक सोशल मीडिया एक तुसी 24 घंटे फोना ते रहंदे आ जी जड़ी जड़ी जंग जनरेशन आ जी ओनु हटाओ ना हां जी ओदा उपयोग टाइम ना करो 24 घंटे खाना भी खा रहे हैं हां जी तो तुसी ओनु देख रहे हैं तुसी परिवार दे नाल बैठे हैं तो देख रहे हैं तुसी ओनु रख दो बाद में देख लियो है ना तुसी इस करके सिस्टमैटिक मैनेजमेंट जब तुसी करोगे तो इस करके जंक फूड दा सविता जी बहुत अच्छी तुसी गल कही जंक देखो जंक फूड नू मैनू कई बार बच्चों का सवाल आंदा या बच्चे आंदे कहंदे असी छड़ नहीं सकदे असी क्या कट कर लो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड
हर चीज दी जद अधिकता हो जाएगी, ज्यादा आप करते हैं तो फिर सानू नुकसान करन लग जाएगी, है ना। जदा आप बच्चे की कहें इट्स नॉट फेयर, इतने एक बच्चे बड़िया की कहें है ना इट्स नॉट फेयर, तो यह भी तो फेयर नहीं है कि तुसी एक चीज जब तुसी खा रहे हो तो रोक कर रही है तो हाँ। माँ बाप जड़े है वो फिर चिंता में आ जाते हैं। तो इस करके कित ना कि सानू नैचुरल फूड नाल आना चाहिए, साड़ी न्यू टेक्नोलॉजी लेना चाहिए, ये एक पार्ट बन गई है लाइफ का। लेकिन 24 घंटे जब वो फोकस रखेंगे वो रेडिएशन निकलती है, थोड़ी एनर्जी लोग टायर्डनेस कर दिया, थोड़ू एक मेंटल टायर्ड कर दिया, है ना। देखो एक फिजिकल बॉडी होंगी सी, हम थोड़ा एक छोटी जी इतने गल दसदा मैं कि जड़ा फिजिकल बॉडी की थकावट होंगी ना वो सो के निकल जाती है, है ना। लेकिन जड़ी मेंटली थकावट होंगी वो सो के भी नहीं निकलती, डीप डाइट चाहिए। तो इस करके आप बहुत ही अच्छी गल तुसी दसी अपनो जी, अज दा एपिसोड मेनू मेरी तरफ तो बहुत ही अच्छा गया क्योंकि कई अच्छी नई चीजें सानू पता चलियां, स्पेशली डाइट दे उत्ते लोकी जानना चाहंदे सी। बिल्कुल बिल्कुल सविता जी, थोड़ा थैंक यू बहुत। हां जी, सो सारे दर्शकों नु मेरी वलो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडेज एपिसोड, बहुत ही अच्छी चीज सानू पता चली। मिलांगे हुन आपा नेक्स्ट एपिसोड, सत श्री अकाल सारे, थैंक यू वेरी मच।